जितना मजाक दुनिया उड़ाती है उतनी ही तकदीर जगमगाती है। जितना मजाक दुनिया उड़ाती है उतनी ही तकदीर जगमगाती है। जब सर पे हो हाथ मेरे गुरुजी का तो ज़िंदगी पल भर में बदल जाती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरे साथ ज़रूर बोलें जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मनजीत कौर आंटी का। आंटी ने पहले भी हमारे साथ काफ़ी सत्संग शेयर किए हैं। संगत जी, कैसे गुरुजी हमारे दिल की अरदास सुनते हैं और हर पल हमारा साथ देते हैं। सत्संग है आंटी का, तो चलिए शुरू करते हैं सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना तेरा, शुक्राना, शुक्राना तेरा, शुक्राना, शुक्राना तेरा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी की, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, लखवार शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज मैं अपना तीसरा सत्संग सुना रही हूँ। सत्संग सुनाने वाले अपन कौन होते हैं? गुरु जी की कृपा से ही अपन सत्संग सुनाते हैं। और गुरु जी से जुड़े हुए मुझे 6 महीने ही हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे जन्मों जन्मांतर का साथ है। सही भी है, क्योंकि आज ऐसा लगता है कि हम गुरु जी के बिना जी ही नहीं सकते हैं। गुरु जी, इससे पहले भी जो हमने अपना जीवन गुजारा, हालांकि उस समय हमने गुरुजी से साक्षात हमने दर्शन नहीं किए थे, उनसे मिले नहीं थे, परंतु वो हमारे साथ ही थे। क्योंकि बहुत सी जीवन की जो घटनाएं होती हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं को हर बार गुरुजी ही, घटनाओं से हर बार गुरुजी ही बचाते आ रहे हैं। सत्संग जी, मैं गुरुजी से अपनी चंडीगढ़ वाली बहन के द्वारा 2023 में अप्रैल से जुड़ी हूँ। अभी तो आजकल वो कनाडा में चली गई है। उसने मेरे पे, अब मुझे ऐसा लगता है उसने मेरे पे बहुत बड़ा उपकार किया मुझे गुरुजी से जोड़ कर। सत्संग जी, मैं एक सत्संग सुना रही हूँ, हाल ही का है। गुरुजी बहुत दिन से मुझे कह रहे थे कि आज मैं तेरे घर आऊँगा, आज मैं तेरे घर आऊँगा। इतवार का दिन था, मैं सुबह से उनका इंतजार कर रही थी। गुरुजी ने कहा भी था तितली के रूप में आऊँगा। तो सुबह से इंतजार करते करते दोपहर को 2 बजे के करीब काली बड़ी सुंदर तितली हमारे दरवाजे में आई और बहुत देर तक वो वहीं पे घूमती रही। कभी बैठ जाती, कभी चक्कर लगा के फिर आगे बैठ जाती, फिर 1-2 घंटे तक वहीं बैठी रही। फिर उसके बाद वो अंदर आई और छत पर गोल 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 घूमती रही छत पर जाकर। हम बड़े खुश थे, मैं, अंकल और मेरा बेटा, कि आज गुरुजी हमारे घर आए हैं। अब हम, हमारे लिए तो गुरुजी तितली के रूप में ही है ना, तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं। उसके बाद तितली चली गई बाहर निकल कर, मैं भी उसके पीछे पीछे, तितली के पीछे गई। और जैसे मैं संगत जी बाहर निकली हूँ ना, मुझे कबूतर के दर्शन हुए। ताज्जुब की बात है कि अभी तितली घर से बाहर निकली और बाहर जाकर देखती तो कबूतर है। बहुत 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 खुशी हुई हम लोग को। और संगत जी, ये सब जो हम दर्शन पाते हैं गुरु जी की कृपा से ही पाते हैं। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम गुरु जी के हिसाब से ही चल रहे हैं और उनके हिसाब से ही जिंदगी भर जब तक चलते रहेंगे। हमारे मम्मी पापा तो आधा साल, हम आधा समय हमारे साथ रहकर दुनिया से चले गए, गुरु जी के पास गए होंगे और कहाँ जाएंगे। उसके बाद आज 2023 में जब हमारी आधी से अधिक उम्र निकल गई तो गुरु जी से हम मिले, गुरु जी ने हमारा हाथ पकड़ा, है ना। हम कौन होते हैं पकड़ाने वाले, गुरुजी ही अपने आप पकड़ते हैं। यदि हम पकड़ाने वाले होते तो सालों पहले ना पकड़ा दिए रहते हैं। नहीं संगत जी, गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा और हमें अपने चरणों में जगह दी।
और ये जो गुरु जी ने हाथ पकड़ा है, ये तो जन्मों जन्मांतर के लिए हाथ पकड़ा है, और आज इस समय की बात कहें तो जीवन के अंतिम सांसों तक वो हमारा हाथ पकड़े रहेंगे। और मैं अक्सर उनसे अरदास करती हूँ, गुरु जी मेरी जीवन की आखिरी सांस जब निकलेगी ना, उसके बाद भी मेरा हाथ यदि छोड़ोगे तो मुझे कम से कम ऊपर तक तो पहुँचा के आ जाना, जहाँ भी मेरा सफ़र है। और संगत जी, हम गुरु के बिना अधूरे हैं। अब तो गुरु जी से इतना प्यार हो गया है, इतना प्यार हो गया ना, कि हमने कभी जीवन में, मैं सोचती हूँ हमने अपने जीवन में कभी किसी से इतना प्यार नहीं किया, कभी नहीं किया। बहुत से रिश्ते बनते हैं, बिगड़ते हैं, छूटते हैं, है ना, पर गुरु जी से जो हमारा प्यार है वो कहना चाहिए अमर प्यार बोलते हैं ना, अमर प्यार है। और सत्संग जी, इसके बाद मैं दूसरा सत्संग आपको सुनाती हूँ कि अभी मैंने आपको बताया कि गुरु जी से इतना इतना ज़्यादा प्यार हो गया, रात को सोते हैं तो गुरु जी, सुबह उठते हैं तो गुरु जी का मंत्र जब चलता रहता है चलता रहता है। तो मैं एक दिन जब सुबह उठी तो उठते ही पहले मैं गुरु जी का मंत्र करती हूँ, फिर आँख खोलती हूँ। मैंने गुरु जी का मंत्र करके जैसे ही आँख खोली तो मुझे गुरु जी की सफ़ेद जुतियाँ, चमचमाती हुई जुतियाँ, जो एक जैसा एक डिब्बा नहीं होता जिसमें अक्सर बड़े मंदिर के सब उनके लॉकेट वॉकेट सब लॉकेट है, स्वरूप है, छोटे छोटे रखे जाते हैं और अक्सर ऐड में देखी मैं, उसमें निकलते हुए दिखाते हैं, बस वही डिब्बा था। और उसी डिब्बे में वो गुरु जी की सफ़ेद जुतियाँ थी, वो ऐसी चमक रही थी, हीरे हीरे चमकते हैं जैसे। मैंने उनको प्रणाम किया और उसके बाद उनके दर्शन हो गए, बस उनके वो मुझे नहीं दिखी। दूसरे दिन, दूसरे तीसरे दिन की बात है, फिर जब मैं उठी सुबह और मैंने गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए अपनी आंखें खोली तो मुझे गुरु जी के चरणों का दर्शन हुआ। वो चरण स्वरूप जो हमारे घर में है, घर में है, रखे भी हैं, विराजित हैं वो, तो उनका दर्शन, उनको मैं माथा टेकी और उतर गई। गुरु जी, सत्संग जी, ये स्वप्न तो नहीं कहेंगे क्योंकि मुझे साक्षात दर्शन हुए हैं। तो यही सब दर्शन पाकर जीवन धन्य हो जाता है। और सत्संग जी, मैं ये भी कहूँगी कि मैं जो पुरानी संगत है उस संगत की अक्सर मैं सत्संग सुनती हूँ उनके। हम तो 5 मिनट का सत्संग भी मुश्किल से कर पाते हैं, उनका सत्संग होता है 1 घंटा 2 घंटा और पूरा निचोड़ रहता है उनका जीवन, गुरु जी के साथ उनकी जर्नी का पूरा निचोड़। और ऐसी शिक्षा रहती है उसमें कि हम बहुत कुछ सीख जाते हैं जो हमको अभी तक नहीं आता है, और हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं तो कई बार एक एक दो दो बार उसको सेव कर लेती हूँ और सुनती हूँ। तो उनका, मुझे लगता है कि उनका सत्संग जरूर सुनना चाहिए यदि हम गुरु जी से सही तरीके से जुड़ना चाहते हैं तो। हमारी जो कमियाँ हैं, जो हम गलतियाँ करते हैं, कम से कम वो गलती तो नहीं करेंगे। और गुरु जी, आजकल मैं सत्संग जी, आजकल मैं सुबह निकलती हूँ तो सैर करने के लिए जब जाती हूँ तो साथ में मोबाइल ले जाती हूँ। मैं सोचती हूँ चलो खाली समय में घूमते फिरते सत्संग सुनूंगी। मैं सत्संग सुनती हूँ जाते थे, उसी समय जब मैं सत्संग, परसों जब मैं घूमने जा रही थी मैंने सत्संग चालू किया तो उसमें सत्संग गुरु जी का मैसेज था कि तू जागी करो बाहर जानी है, सीधे पैर ना निकलिया कर ते सत्संग सुनिया कर, तेरा भला होगा। तो मैं गुरु जी को बोली, गुरु जी आज मैं पहली बार ही तो मैं मोबाइल लेके निकली हूँ बाहर कि मैं सत्संग सुना, तो थोड़ा मैसेज भी आ गया है। और सत्संग जी, और बहुत सारे सत्संग होते हैं जीवन में, कुछ अब बाद में कुछ सत्संग तो ऐसे हैं जो गुरु जी से मिलने के पहले के हैं, ऐसे सत्संग हैं कि बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं और जिसमें हम ऐसे निकल गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इस समय बाद में अगले सत्संग में सुनाऊंगी। अब मैं गुरु जी का
मंत्र जाप करते हुए वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। हर पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, जीवन की हर सांस का शुक्राना, आने वाले जीवन की हर पल का शुक्राना, बीते हुए जीवन के हर पल का शुक्राना और जन्मों जन्मांतर के हर पल का शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। यदि सत्संग सुनाते समय मुझसे कोई गलती हो गई होगी तो मुझे माफ़ कर देना। मुझे मालूम है मैं बहुत अज्ञानी हूँ, कुछ आता जाता नहीं है, बस ऐसे ही अपने आप हम लोग बड़ा समझने लगते हैं। गुरु जी, मेरे में जितनी कमियां हैं, मेरे मन में जो बुराइयां हैं, जो अहम है, जो घमंड है, जो भी मेरे मन में आता होगा, उन सब चीज़ों से गुरु जी आप मुझे बचा लो, आप मुझे बचा लो। गुरु जी, मैं कोई सीधे रास्ते पे चलना चाहती हूँ, हर बुराइयों से दूर होकर जीवन को चलना चाहती हूँ, ताकि मैं जीवन की आखिरी सांस तक आपके चरणों में रह सकूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।